Welcome back. Thanks a lot for staying with us. In the wake of these targeted killings in Jammu and Kashmir, my colleague Anand Narasimhan spoke to JNK LG Manoj Sinha on the security situation amid the normalcy drive. Sinha also highlighted the preparations for elections in Jammu and Kashmir, which could take place next year. I'm leaving you with this conversation. Thanks a lot for watching. Namaste. Call it fate, call it coincidence, or just how it is supposed to be. But every time we want to listen to the Honorable LG, Shri Manoj Sinha, somehow I find myself in front of him, and he is kind enough to give us the time. From the time he has taken charge as the Honorable LG of Jammu and Kashmir, there has been an unwritten exchange between us that every 3 to 6 months we will meet to understand and get a check of how things are progressing in Jammu and Kashmir. So Manoj Sinha ji, wo prakaran abhi chal raha hai, to aapka bahut bahut dhanyawad. Aabhaar aapka bahut bahut. Ab jab hum baat kar rahe hain, to aise samay pe baat kar rahe hain ki Deepavali ko kuch hi din bache hain, lekin ek alag tarike ka mahol banane ki koshish फिर से यहां शुरू हो चुकी है, कवायद शुरू हो चुकी है, जहां खासकर जो देश के अन्य इलाकों से आए हैं और यहां पर जो स्थानीय कश्मीरी हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उन पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। वहीं से शुरू करते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? आपने इस पर बयान दिया है, पर कुछ लोग इस पर और कुछ कहने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे वहीं पूछना चाहूंगा। वास्तव में यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं इसको धर्म के नजरिए से नहीं देखता, क्योंकि अगर पीछे के आंकड़ों में आप जाएंगे, यह सच है कि टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं कश्मीरी पंडितों की, कुछ हिंदुओं की, लेकिन कई मुसलमान भी मारे गए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। और कल एक कार्यक्रम में मैंने एक बात कही थी, मुझे लगता है कि आपके बीच मुझे दोहराना बड़ा जरूरी है उस बात को। तालिबान का एक कमांडर था और बड़ा कुख्यात था, हत्या करने में उसको कोई संकोच नहीं होता था, कहीं भी करता था, मंदिर में, मस्जिद में, मातम में भी वो हत्या कर देता था, अस्पताल में, स्कूल में। उससे किसी ने पूछा कि ये तुम विवेकहीन हत्या करते हो, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारे बारे में पब्लिक ओपिनियन बड़ी खराब हो रही होगी? उसने जो जवाब दिया, उसने कहा कि देखिए, हम सड़क नहीं बना सकते, हम स्कूल नहीं बना सकते, हम अस्पताल नहीं बना सकते, हम लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा कर सकते हैं, और वो हमारी पद्धति यह है कि पहले सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करना, ताकि लोगों को यह लग जाए कि जब तक तालिबान का शासन नहीं होगा, सुरक्षित नहीं है। यहां भी कुछ लोग लंबे समय से इसी कोशिश में लगे हैं कि भारत सरकार जितना कर ले, जम्मू कश्मीर प्रशासन जितना कर ले, जब तक कश्मीर हमारे साथ नहीं मिलेगा, तब तक अमन चैन नहीं आएगा। ये बेसिक थियरी मुझे लगता है देश को और कम से कम यहां के लोगों को समझना बड़ा जरूरी है। एक भट्ट साहब की हत्या हुई जी, उत्तर प्रदेश के दो हमारे मजदूर भाई मारे गए। मैं मानता हूं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, प्रशासनिक तौर पर जो भी उनके परिवारों की देखभाल करनी है वो हम करेंगे, लेकिन ये सच है कि पहले की तुलना में अगर देखेंगे आप, तो सिक्योरिटी सिनेरियो काफी बेहतर हुआ है, लोगों की अपेक्षाएं हमसे बढ़ गई जी। अगर पहले का मानक होता, जब 36 लोग एक दिन मार दिए जाते थे, उसकी कोई चर्चा नहीं होती थी, वे लोग भी आज सवाल पूछ रहे हैं। अब देश की और सामान्य आदमी की जम्मू कश्मीर में हमसे अपेक्षा है कि एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, ये कैसे हो सकता है? कुछ लोग अनावश्यक रूप से ये सवाल उठाते हैं कि 370 और 35 जब खत्म हुआ था तो यह आश्वासन दिया गया था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं अगर आपसे जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 को 370 समाप्त हुई, उसके 3 साल पहले और 5 अगस्त 2019 के बाद के 3 साल के आंकड़ों को आप देखेंगे तो इनोसेंट किलिंग्स या नागरिकों की हत्या में लगभग आधी गिरावट आई है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं,
कि शांति खरीदने में हमारा विश्वास नहीं, शांति स्थापित करने में विश्वास है। वही अगला प्रश्न आता है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया हो गई, नेता कह रहे हैं चुनाव कब कराएंगे, मीडिया पूछ रही है चुनाव कब कराएंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जनता क्या चाहती है? जनता एक सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड जम्मू एंड कश्मीर थोड़े टाइम के लिए चाहती है, या जनता भी चाहती है कि फिर से नेता आ जाएं और कंट्रोल एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास चला जाए? इस एक प्रश्न में कई सवाल आपने जी किए, एक एक करके मैं बताता हूं। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई, डिलिमिटेशन कमीशन के जो नॉर्म्स हैं मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। लंबे समय बाद मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्म्स के आधार पर डिलिमिटेशन हुआ है। चुनाव कब होंगे, संसद में यह बात देश के गृहमंत्री जी ने कई बार कही कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, देन इलेक्शन, देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। तो अब इलेक्शन का टाइम आ गया है, अब काफी पुरानी वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची जी। तो जब भी कोई नया चुनाव होता है तो मुझे लगता है कि नए मतदाताओं का इनरोलमेंट आवश्यक होता है, वो काम चल रहा है। नवंबर तक चुनाव आयोग ने वो समय दिया हुआ है, तो एक बार मुझे लगता है कि मतदाताओं के पुनरीक्षण का, उनके नामांकन इनरोलमेंट का काम खत्म हो जाए। चुनाव कब होंगे ये तारीख चुनाव आयोग तय करती है, जो एक भारत में संवैधानिक संस्था है और अब तक बहुत बेहतर काम किया है हमारे चुनाव आयोग ने। प्रशासनिक तौर पर जब हमसे सलाह मांगी जाएगी जरूर हम सलाह देंगे, और कानून व्यवस्था या सुरक्षा की स्थिति की दृष्टि से यहां चुनाव आयोग जब भी निर्देश देगा हम चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कुछ लोगों को जान करके अगर ना समझ बन रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको समझाया नहीं जा सकता है। किसी की आंख है नहीं देख रहा है तो उसको कैसे दिखाएंगे? अगर किसी को नहीं दिखाई पड़ा तो उसको चश्मा लगा सकते हैं। कुछ लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। तीसरी बात जी, जनता क्या चाहती? मुझे लगता है कि मेरा हक नहीं है कि जनता क्या चाहती इस विषय पर मैं राय रखूं, लेकिन आपसे मैं एक अनुरोध जरूर करूंगा कि आप आए हैं तो जरा जनता से बात करिए और जनता की क्या राय है देश को जरूर बताइए।